हेलो एवरीबॉडी, मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे Dsssb के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। Dsssb ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने प्राइमरी टीचर MCD के एग्जाम डेट अनाउंस कर दिए हैं। प्राइमरी टीचर्स की दो रिक्रूटमेंट आती है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में और एक आती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, जिसमें कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी होती है तो उसको बोलते हैं PRT DOE, और एक होता है PRT MCD। PRT MCD का एक रिक्रूटमेंट जिसका पोस्ट कोड था 16/17, ठीक है, ये पोस्ट कोड का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन बाद में कुछ कारणों से उसको कैंसिल कर दिया गया था एग्ज़ाम को, ठीक है। अब जो है इस एग्ज़ाम का नया डेट अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2018 में भी MCD के एक रिक्रूटमेंट आई थी PRT के लिए, तो उसका भी एग्जाम डेट इसके साथ अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के PRT है उनका एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या नोटिफिकेशन है Dsssb की वेबसाइट में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये नोटिस है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन पोस्ट कोड 1/18 इंक्लूडिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 16/17 इन ऑफलाइन मोड ऑन डेटेड 30 सितंबर 2018, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड से होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक है, मीन्स ऑनलाइन नहीं है। इसके बाद ये चार बैचेज यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला बैच रहेगा 30 सितंबर को, दूसरा बैच रहेगा 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और लास्ट बैच रहेगा 28 अक्टूबर को। मतलब अक्टूबर का महीना पूरा चला गया PRT के एग्जामिनेशंस में, और ये PRT एग्जामिनेशंस कहाँ के हैं, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वाले हैं, DOE वाले नहीं हैं। इसमें पोस्ट कोड है 1/18 और 16/17, दोनों को मिलाकर के कंबाइंड रूप से एग्जामिनेशंस करवाए जाएंगे। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मीन्स 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। आगे देखते हैं कि नोटिफिकेशंस में और कुछ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल 4 बैचेस ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग ऑन द अबव मेंशन डेट्स वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। चूंकि अलग अलग डेट पे हो रहे हैं तो हो सकता है कि किसी दिन ईजी पेपर आ जाए और किसी दिन टफ पेपर आ जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा इसमें, ठीक है। जिस भी पेपर को एक से अधिक बैचेस में लिया जाता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है, ताकि जो बैचेस कठिन हो और कुछ बैचेस ईजी हो तो उनमें एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो सके। इसलिए दिस इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द रिजल्ट। उसके बाद ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड पब्लिश्ड, मतलब इन्होंने कुछ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि हम क्या फार्मूला अपनाएंगे नॉर्मलाइजेशन का। इसके बाद नोट में आपसे बोला गया है कि द कैंडिडेट ऑफ बैच 1, यानी जिनका एग्जाम 30 सितंबर को है, ठीक है, फॉर द अबव पोस्ट कोड मे डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। इस वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 20 सितंबर के बाद, ठीक है, 20 सितंबर को 10 बजे से लेकर के 26 सितंबर के 11 बजे रात तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट जिसका बैच 2 में है यानी 13 अक्टूबर को है, वो लोग जो है 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। जिनका 14 तारीख को है वो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, और जिनका एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक होती है। एक प्रकार से आप यूँ कह सकते हो कि इट इज़ वेरी माइन्यूट मिस्टेक जिसकी वजह से उनका इतना बेकार उनका जो टाइम होता है वो बेकार चला जाता है, ठीक है। कई सारे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं इस बार, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकलता क्योंकि वो वेट करते रहते हैं कि लास्ट डेट आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा आप लास्ट डेट को वेट मत करना, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट किया जाएगा, एक दिन के अंदर नेक्स्ट डेट ही आप उसको निकाल लीजिए, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप, ठीक है। उसमें जो भी नोटिसेस दिए हुए हैं, कहाँ पे फोटो लगाना है, कहाँ पे किस तरीके से क्या करना है, वो आप उसको अपना मैनेज कर लीजिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद नोटिस में दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था वहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन मतलब कोई भी करस्पॉन्डेंस करनी होगी फ्यूचर में। उसके बाद द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड्स हैव बीन गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड इन केस एनी कैंडिडेट फाइंड्स एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपना लिख सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, और ये DSSB की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है। लास्ट डेट से पहले पहले आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 26 सितंबर 2018, और ये अलग अलग डेट्स दी हुई हैं, इनके पहले आपको करना है अकॉर्डिंगली आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली। इसके बाद दिया है कि नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन बाई एनी अदर सोर्सेज ऑफ द करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन करके या फिर DSSB ऑफिस जा करके कुछ करवा पाओगे। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पर मेल करना है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। नो इंडिविजुअल इंटीमेशन फॉर एनी फर्दर एक्टिविटी प्रोसेस विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स एंड दे आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड रेगुलरली फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, प्रोहिबिशन आइटम्स एंड रिलेटिंग टू ऑल दिस थिंग्स विल बी अवेलेबल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। बाकी चीज़ें आप ड्रेस कोड वगैरह और क्या आइटम्स प्रोहिबिट किए गए हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो इस वेबसाइट पर जा करके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्द से जल्द मैं आपके लिए एकेडमिक वीडियोज़ फिर से शुरू करूँ, और टीचिंग मेथडोलॉजी का जो मैंने पार्ट शुरू किया था वो मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। एक दो दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगी इस चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।